बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आयना के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान बिरक। मुझे नाज़रीन, मेरे साथ आप जिस जवान को देख रहे हैं, ये आज से तकरीबन एक से डेढ़ माह पहले की इनकी तस्वीर देखें स्क्रीन पर और अब इनका जिस्म देखें। एक माह में या एक से डेढ़ माह के अंदर इन्होंने जितना वज़न अपना कम किया, कैसे किया, ये इनकी डाइट क्या थी, क्या क्या करते रहे, कैसे कैसे इन्होंने वर्जिश की, मुकम्मल आपको इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज से तकरीबन डेढ़ माह पहले आप काफ़ी मोटे थे, जैसे कि स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, और अभी जो आपकी जिस्म है, ये ऐसा इतना वज़न आपने कैसे कम किया है? ये सबसे पहले मेहरबान करते हैं, मशहूर जो पंजाब है मिस्टर इमरान बार साहब, ये मेरे ट्रेनर हैं, टीचर भी हैं। इन्होंने मुझे गाइड किया है, इन्होंने मुझे डाइट बताई है और इन्होंने मुझे ट्रेन किया है। और डेढ़ माह पहले जैसे ही इन्होंने मुझे मतलब के मेरे से मीटिंग की कि आपको स्मार्ट होना चाहिए, एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनना चाहिए, तो इनके कहने पे मैं आज इधर गेम जो है ना स्टार्ट की है। आपको शौक कैसे आया? फिर शौक ऐसे है, जैसे ये लड़के लोग जाते हैं जिम जाते हैं, इनकी माशाल्लाह बॉडी बनी हुई है, कुछ लोग स्मार्ट हैं, मसल्स बने हुए हैं, तो ऐसे मुझे शौक बना है और मैंने भी स्टार्ट कर दी। आपकी डाइट क्या है? डाइट तो ना ही पूछे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत जो है ना हैवी किस्म की, मैक्सिमम डेली 1500-2000 इसका खर्चा होता है। नहीं, हम आवाम को बताएं तो सही ना, आपकी डाइट क्या है, कैसे आप आपकी बॉडी इस तरह बनी है? सर, इसमें जो है मैक्सिमम एक दिन में जो है ना डेढ़ दर्जन अंडे होना चाहिए, जो सुबह टाइम निरमे पेट होना चाहिए, 6 अंडे होने चाहिए, जो साथ एक ब्लैक कॉफ़ी होना चाहिए। उसके बाद मैंने रनिंग स्टार्ट की है, वॉक की है, ये तकरीबन 2 घंटे मैंने वॉक और रनिंग की है। उसके बाद मैंने क्लब में आना, तो क्लब में फिर मैंने 2-2.5 घंटे मैंने गेम करनी है, और उसके बाद जाने के बाद मैंने जो है ना अपने यूज़ करनी है ये मौसमी का जूस, 2-3 गिलास वो पीनी है। ऐसे ही मैंने वो सलाद फ्रूट ऐसे ही हर चीज़ जो है ना मैंने सर ने लिख के दी 1 बाय 1, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, ऐसे पूरा टीम पूरी लिखी हुई थी हमारे पास। अच्छा, ज़रा नाज़रीन को ये भी बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि इंजेक्शन को स्टीराइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या सीन है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह डेढ़ माह पहले तो ना ऐसे कभी सोचा था और ना गेम की तरह से सोचा कि कोई टैबलेट या कोई इंजेक्शन ना ऐसे कभी यूज़ किया है और ना सर ने हमें करवाया। ओरिजिनल गेम की है और नेचुरल खुराक यूज़ की है, फिश यूज़ की है, चिकन यूज़ की है, ब्राउन ब्रेड यूज़ किए हैं, ग्रीन टी यूज़ किए हैं, और ये प्रोटीन जो वो चीज़ है जो आपको प्रोटीन मिलती है इन चीज़ों से, जैसे फिश है, चिकन है, आपके अंडे हैं, ऐसी चीज़ों से प्रोटीन मिलती है। ओरिजिनल मैंने जो है ना ये वेट यूज़ किया अपने, लूज़ किए। आपने अपनी जो पहली लाइफ थी आपकी जब मोटापा था, उसमें और आज की डाइट में कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा छोड़ी है कि इस चीज़ से मुझे ज़्यादा मोटापा हो रहा है? मैंने तो सबसे पहले वाइट चावल छोड़ दिए। अच्छा। जो एक मैरिज हॉल में नॉर्मल एक प्लेट भरी होती है सर, वो मैंने छोड़ दी है। दूसरा, एक टाइम बैठ के मैंने 1 लीटर 1.5 लीटर मैंने बोतल पी लेनी थी, पेप्सी को कोई भी है, ये भी छोड़ दी है। और मीठा इसमें जितना भी ऐसे को बेकरी है, पिज़्ज़ा वगैरह है, ये तो बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं अकेला मैक्सिमम 1 लार्ज तो बिल्कुल ईजी थी ना। नहीं जी, फास्ट फूड आप भी छोड़ दें, ये आपकी सेहत के लिए मेरा ख्याल है कि बेहतर है। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, फास्ट फूड तो सबसे जो है ना नुकसान है। मोटा करने में तो बिल्कुल इजी है, मोटा करना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये अक्सर लोग कहते हैं जी, मेरे फ्रेंड भी हैं रिलेटिव्स, ये कहते हैं जी मोटा होना है कोई मेडिसिन यूज़ करो, इंजेक्शन यूज़ करो, या ये जो देसी दवाइयाँ मिलती हैं ये यूज़ कर लो, ये सब झूठ है, कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से जिम आएँ, गेम करें और अपने प्रोटीन जो है वो लिखवाने पर सबसे आप शुरू करें, इंशाल्लाह 1-2 महीने में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ज़रा ये बताएँ कि इससे पहले आपकी खुराक कितनी थी? खुराक वो भी ना ही पूछे तो सही है। आप देखने वाले तो ये सोचेंगे पता नहीं ये इंसान नहीं लगता हमें, समझते बैठे बैठे ऐसे 2-2.5 केजेस हमने ऐसे बीफ मटन खा लेना है, फिश खा लेनी है, और कोई भी दुनिया की चीज़ है, जैसे कि ये दूध है, ये तो मैंने 1.5-2 किलो ये तो आराम से पी लेना, इसको तो मुश्किल ही नहीं इतनी बड़ी। और डेली जो है देसी घी लाजमी यूज़ करना होता है, दही मेला जो है डेली का 2 केजी था मॉर्निंग टाइम में, ये चीज़ें जो है ना मोटापा ज़्यादा किया है मुझे। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जिम आने से पहले आपका वज़न कितना था और अब आपका वज़न कितना है? मुझे जिम स्टार्ट करने से पहले मेरा 100 kg वेट था। अच्छा। और जब जो मैंने स्टार्ट किया है डेढ़ माह पहले 100 था, डेढ़ माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 32 kg वेट कम की है। माशाल्लाह, ये जी 32 kg वज़न कम करना डेढ़ माह के अंदर बड़ी बात है, और कोशिश करें कि आप भी तूंद ले के बैठे ना रहें घर में, बाहर निकलें, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वर्जिश लाजमी करें। ये तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं
ये आज से 10 साल पहले मिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं, तो इनका जिस्म भी आप देखें, ये दिखाएंगे हम आपको कि कैसे ये मेंटेन कर रहे हैं अपने जिस्म को। और इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि आज तक 10 साल हो गए लेकिन आज तक इनका जिस्म बिल्कुल फिट है, कैसे है ये? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह आज से 10 साल पहले मिस्टर पंजाब बने हैं लेकिन आज भी आप यंग हैं, ऐसा कैसे है? जी मिस्टर पंजाब तो चलो मैं 10 साल पहले बना था लेकिन जिम तो मैंने स्टार्ट किया 96 में। अच्छा। अब मेरी एज इस टाइम 43 है और मुझे इस फील्ड में जिम करते हुए तो ऑलमोस्ट ये आप देख लें कि 25-26 साल हो गए। तो जो आपका सवाल है कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हैं या फिट, ये तो एक जनरल यानी कि हर किसी के लिए मेन चीज़ यही होती है कि आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। वर्कआउट किसी तरह का भी हो सकता है लेकिन दौरे हाजिर में ये जिम एक ऐसा वर्कआउट है कि जो अब आपके लिए इजी है और जिसमें आपके ऑलमोस्ट मुकम्मल बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये मस्ट नहीं है कि जिम ही है, मकसद तो है कि आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज के लिए। इसलिए बाकी गेम्स या बाकी स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो भी ऐसे मेंटेन रखते हैं, वो अपनी 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 फील्ड या अपनी अपनी स्पोर्ट्स में फिट है। तो एक तो अपने प्रोफेशन और अपने हवाले से तो फिर यही है कि एक तो जिम की वजह और दूसरा डाइट मैनेज करना मेन जो किरदार है ना, यानी कि अगर आप ऑलमोस्ट देखें ये बेशुमार वीडियोस चढ़ी होती हैं कि 60-70% डाइट है, 30% ट्रेनिंग है, तो ये एक शेड्यूल होते हैं मुख्तलिफ एक राय होती है। एक जनरली जो बेसिक एक चीज़ है ना कि आम समझने वाली वो यही है कि आप अपनी डाइट मैनेज करें और रेगुलर ट्रेनिंग करें। एक होती है डाइट कंट्रोल, एक होती है डाइट मैनेज। डाइट कंट्रोल करना, ट्रेनिंग करना, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है। एक टारगेट्स होते हैं, अगर हर बंदे का अपना अपना टारगेट है कि उसने कौन सा टारगेट लेना है, लेकिन जनरली आपका क्वेश्चन है जैसे आपने वो इन भाई से इंटरव्यू किया तो ये एक स्पेसिफिक इनकी अपने बारे में इंटरव्यू था कि इन्होंने कैसे किया, तो ये इनकी अपनी रूटीन है हर बंदे। वो शख्स, वो लोग के जो मोटापे की वजह से आवाज़ आ रहा है, जिनकी तून निकली हुई है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए भी सबसे पहले यही है कि अपने खाने पीने की रूटीन सेट करें सबसे पहले तो, और उसके बाद एक्सरसाइज करें। बिलाशुबा जैसे तूंद निकली हो ना या यानी कि बॉडी फैट में है, तो ये आती है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, कि बॉडी को आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, है तो ये हार्ड वर्क है। लेकिन अगर बंदे का इरादा हो तो मुमकिन है, तो हार्ड वर्किंग है मुसलसल किसी भी जिम के साथ ट्रेनिंग के साथ अटैच होना और डाइट मैनेज करना। अच्छा, मेन चीज़ आज का लोग ऐसा करते हैं, डाइट से समझते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। कुछ मैंने ऐसे अफराद देखे हैं कि जो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, दिन में एक से आधी रोटी, वो भी एक से दो दिन बाद, क्या ये डाइट होती है? हाँ नहीं, इसमें फिर यही बात है कि हर बंदे के टारगेट्स होते हैं अपने अपने। अगर कोई बंदा इस तरह का टारगेट लेता है कि मैंने एक माह में, दो माह में, तीन माह में इतना वेट लूज़ करना है, इस तरह होना है, तो फिर जारी बात है जब वो इतना शॉर्ट टाइम लेगा तो उसके लिए फिर उसे एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। फिटनेस के लिए वैसे बेहतर ये है कि आप फिटनेस को या जिम को अपना लाइफ स्टाइल बनाएँ, टारगेट ना लें दो तीन माह का, क्योंकि दो तीन माह के बाद तो जारी बात है आपने इसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी फिर वापस आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक लाइफस्टाइल है, जिन जो भी अपने आप को फिट करना चाहता है ना वो जिम को अपना लाइफस्टाइल बनाए, यानी कि डेली अपने कीमती वक्त में से को आधा घंटा घंटा निकाल लें। आप शोबे के लिए ऐसे वकील हैं, आप कैसे इतना वक्त निकाल लें? बस ऐसे असल में ये मेरा शौक था पहले, तो आहिस्ता से ये मेरा प्रोफेशन बन गया, तो अब ज़्यादा मेरी तवज्जो इसकी तरफ है और प्रैक्टिस की तरफ कम है, तो इसलिए इसी को टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा। एक जो सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ, जो हमारे माशरे में ज़्यादातर लड़कियाँ जिम नहीं आ सकती, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, वो कैसे अपना जो वेट है वो लूज़ कर सकती हैं? देखिए, वेट लूज़ करने के लिए तो जारी बात है उन्हें भी वर्कआउट ही चाहिए, या तो किसी जिम में जाएं और या फिर वो वैसे वॉक करें। अब हमारी ये बदकिस्मती है, चले आपके प्लेटफॉर्म से ये भी एक, मैं अपने जो जितने भी हमारे सियासी नुमाइंदे उनको एक पैगाम ही पहुँचाएँगे कि ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि पूरी रावली में कोई लेडीज़ या चिल्ड्रन पार्क नहीं है कि जहाँ ये औरतें जा के तो वॉक कर सकें।
अब ये कैंट रोड पे या रेलवे स्टेशन पे लाइनों के ऊपर तो औरतें वॉक करती अच्छी नहीं लगती, और बिलाशुबा किसी को भी नहीं लगती। ये एक तो ये आप इस प्लेटफॉर्म से ये भी पैगाम है, तो वॉक के लिए या तो कोई प्रॉपर पार्क हो जहाँ औरतें जाके वॉक कर सके। औरतों के लिए वर्किंग करना ज़रा मुश्किल होता है, ज़ाहिर जिम शिम जाना, जिम ऑलमोस्ट इधर है भी नहीं है, लेडीज़ अगर हैं भी है तो वो बड़े छोटे और मखसूस, यानी कि इतनी वैरायटी नहीं होती, या मे भी मैं ये तो नहीं कहूँगा, वो मुमकिन है कि वो जिन्होंने खोले हुए या जो करवा रहे हैं ट्रेनिंग, शायद वो औरतें इस लेवल की प्रोफेशनल हो या ना हो। ऑलमोस्ट ब्यूटी पार्लर के साथ छोटे छोटे जिम खुले हुए, एक तो पार्क मस्ट होना चाहिए तो आगे जहाँ जाके औरतें वॉक कर सकें, वॉक सबसे बेहतर है औरतों के लिए। जो लड़कियाँ जिम नहीं जा सकती किसी वजह से, वो सिर्फ वॉक करें? हाँ, वो फिर वो मजबूरी उनकी यही है कि वो वॉक ही करें, या फिर घर में जो एरोबिक गेम्स हैं उनके लिए डाइट क्या हो? जैसे घर में एरोबिक गेम्स हैं, रोप जंपिंग है, या वो घर में इस तरह की पेड़ की गेम या एक्सरसाइज, वो एडजस्ट ही करना ना, वो इस तरह कर सकती हैं। डाइट में देखें, औरतों के लिए वैसे इतनी हार्ड डाइट की जरूरत नहीं होती है, औरतों की बॉडी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाती है जेंट्स की नस्बत, तो डाइट फिर ये ना पता क्या होता है, ये एक पूरी मुकम्मल सीढ़ी है, इसमें स्टेप हैं कि आपकी डाइट का पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तो ये एक प्रॉपर टेक्निक है। वो आप जब स्टार्ट करेंगे तो यकदम आपने 100% डाइट नहीं शुरू कर देनी, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें 12 स्टेप हैं तो आपने पहला ही कदम 12वें स्टेप पर ही रख देना, वो पहले पे रखेंगे फिर दूसरे। तो ये मेरा ख्याल है ये इंडिविजुअली प्लान होते हैं, बंदे की लाइफस्टाइल, उसकी फिजीक, उसकी एज, उसकी रूटीन लाइफ, उस हिसाब से हर बंदे का डिफरेंट प्लान है। लेकिन जो जनरल पैगाम है ना सब लोगों के लिए, वो जनरल पैगाम यही है कि अपनी डाइट मैनेज कर दें, कम कर दें। पाकिस्तानी कौम वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाती है, खासकर गुजरावाला, हाँ वो बहुत ज़्यादा खाती है। ये सोचना अपने जहन में पैदा करेंगे ना कहीं हम कमज़ोर ना हो जाए, ये कमज़ोर नहीं हो सकते, डाइट कम करें, मैनेज करें, कम करें, और दूसरा चले फिर वो अगर जनरली बात करनी है तो वो देखें। वैसे ये मेरा ख्याल है कि मैं एक किसी बयान को सपोर्ट ही करूँगा, कोई नई चीज़ नहीं बताऊँगा, ये हर बंदे को पता है कि फ़ास्ट फूड, बाहर के खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी चीज़ें, ये जंक फूड्स जितने भी हैं, स्वीट्स हैं, बेकर्स हैं, ये नुकसान है, ये छोड़ने, एक तो सबसे पहले ये स्टेप आ जाता है। फिर इसके आगे अगर आप दूसरे स्टेप पे जाते हैं तो दूसरे स्टेप पे जाके ये कि आपने फिर ऑयली चीज़ें भी मैक्सिमम छोड़ने की कोशिश करनी है। इसके बाद फिर तीसरा स्टेप आ जाता है, उसमें फिर आपने हर वो चीज़ जिसमें डायरेक्ट कार्ब्स हैं, यानी कि शुगर जो आपकी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो छोड़ देने। फिर आप अगर एक स्टेप और जाते हैं तो फिर वो कार्ब्स लेने शुरू कर देने हैं जो कि कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, पचीदा हैं, जो जल्दी डाइजेस्ट ना हो। फिर आप इससे एक दर्जे और आगे जाते हैं, फिर आपने बॉयल चीज़ों पे आ जाना, यानी कि आपने फिर सारी चीज़ें छोड़ के अपना खाना सेपरेट कर देना, वो फिर बॉयल चीज़ें शुरू कर देनी, फ्रेश जूस शुरू कर देने। ये देखना फिर इस तरह ये स्टेप बाई स्टेप हैं, तो अब आपने हर बंदे ने देखना कि वो किस स्टेप पर खड़ा होना चाहता है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हर बंदे ने अपनी लाइफ स्टाइल एडजस्ट करनी है। इसका आखिरी दर्जा जो होता है वो तो फिर ये होता है कि आपने हर 2-2.5 घंटे बाद मुनासिब सा खाना लेना है, यानी कि आपने बड़े खाने नहीं खाने, आपने छोटे छोटे मील रखने, यानी कि हर 2.5-3 घंटे बाद एक मुनासिब सा खाना खाएं जिसमें आपकी प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब्स कम हो, और मुनासिब से मल्टीविटामिन और मिनरल्स हों। फिर ऐसे 2-2.5 घंटे का गैप दें, फिर इस तरह आएँ, उसमें फिर आप ग्रीन टी ऐड करें, ब्लैक कॉफ़ी ऐड करें। अब ये वो जो भी इस प्लान पे अमल करेगा वो अपनी रूटीन देखेगा, एन मुमकिन वो सुबह ऑफिस जाए या स्कूल या कॉलेज जाता है और शाम को घर आता है, तो वो अब उसकी अपनी रूटीन उसने कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए जैसे बताया कि ये स्टेप्स हैं, स्टेप बाई स्टेप ये सारा काम। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये, अगर मेरे जैसा कमज़ोर बंदा इनकी तरह बॉडी बिल्डर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बस उसके लिए भी आपको 1-2 साल जिम करनी चाहिए और अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। जितनी नॉन हेल्दी डाइट है, वैसे तो अल्लाह ताला ने देखें हर चीज़ अच्छी बनाई हुई है, लेकिन जिम के हवाले से बात कर रहे हैं, बुरी चीज़ तो कोई भी नहीं है। तो जितनी जिम के हवाले से डाइट में एक ही चीज़ आती है कि आपकी प्रोटीन मैक्सिमम हो, यानी कि ज़्यादा हो, मैक्सिमम रहा उसकी रेशियो ज़्यादा हो, कार्ब्स कम हो, कार्ब्स फिर उसमें यही है कि वो डायरेक्ट कार्ब्स ना हो, जैसे चीनी भी है तो कार्ब्स ही हैं लेकिन ये डायरेक्ट है, वाइट पॉइजन कहते हैं इसे, तो कार्ब्स मुनासिब हो, मल्टीविटामिन्स हों, फ्रेश जूसेस वगैरह हों, यानी कि डाइट मैनेज करनी है आपने। और आप अगर जिम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि 1-2 साल में फ़िट हो जाएंगे आप बेहतरीन। मुसलसल जिम करना पड़ेगा? हाँ, ये लाइफ स्टाइल है, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको जिम को लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी का। सर आपका नाज़रीन, आपने जाना कि आपको
लाइफ टाइम के लिए जिम तो आना ही आना है, लेकिन उसके साथ आपको एक काम ये भी करना है कि ये जो ड्रिंक्स वगैरह हैं या फास्ट फूड है इसको छोड़ना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितनी देर से जिम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए हैं 3 से 4 साल। अच्छा, रेगुलर गेम करते हुए। ठीक हो गया। तो आप भी वज़न कम करने आए थे? जी बिल्कुल, मैं वज़न कम करने आया था और जब मैं स्टार्ट की थी तब मेरा वज़न तकरीबन 146 kg था। और उसके बाद असल में इसमें इस फील्ड में ये होता है कि अगर आपको कोच अच्छे मिल जाएँ तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है। तो इसका क्रेडिट हमारे सर को जाता है, बाट साहब को, कि इन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी और उसकी वजह से एक लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हुआ काफ़ी ज़्यादा। एक तो गुड लुकिंग हो जाता है इंसान, उसके अलावा इसके साथ साथ उसको हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जो लड़के अपना पेट लेके घरों में बैठे रहते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि डेली कम से कम कुछ नहीं 30 मिनट्स to 40 मिनट्स निकालें गेम के लिए, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वाइज भी बेनिफिट होगा और दिखने में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि अपने जिस्म को, अपने वेट को, अपनी जो तूंद आपकी बढ़ी हुई है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान नुमान वीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।